उदयपुर की स्पेशल टास्क फोर्स और भोपालपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 63,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बाजार में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को रुकवाया और कार की तलाशी ली जिसमें नकली नोटों की खेप बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में शामिल विकास चावला ने YouTube से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा और प्रिंटर से नकली नोट बनाकर तीन साथियों के साथ इन्हें बाजार में चलाने की कोशिश करने लगा, मगर पुलिस की कार्रवाई में वो पकड़ा गया। मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में चार आदमी नकली नोट लेके कहीं मार्केट में चलाने के लिए घूम रहे हैं। इस पर थाना भोपालपुरा पुलिस और स्पेशल टीम के साथ नाकाबंदी करके उस कार को रोका, उसमें से चार आदमी को गिरफ्तार किया, कार को डिटेन बरामद किया और उसमें नकली नोट करीब 64,000 बरामद हुए जिसमें 100 के, 500 के और 2,000 के नोट पाए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता रवि मल्होत्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी रवि बताएं। जी भारती, बताना चाहूंगा मैं कि नोटबंदी के बाद में एक बार फिर से नकली नोटों के जो कारोबार को लेकर बड़ी कार्रवाई जो है उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने की है और इन्होंने चार लोगों को इसके अंदर में जो है गिरफ्तार किया है और जो कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि इन पर 63,400 रुपए जो है इनसे बरामद किए हैं। और खास बात जो है इसके अंदर में मजे की बात ये कि जो विकास चावला जो इसके अंदर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसने YouTube पर जो है एक नोट बनाने की विधि को सीखा था, उसके बाद उसने एक प्रिंटर पर अपने इस तरह के नोट निकाले हैं जो लगभग जो है असली नोटों से मिलते जुलते हैं और उनके पास जो है 500 के भी नोट थे उसके अंदर में, कुछ 100 के नोट भी थे और इससे 500 के 2,000 के नोट भी इन्होंने निकाले हैं। और फिर इनको ये चलने के लिए जब ये चारों निकले थे अपनी कार के अंदर में तो मुखबिर की सूचना पर भोपालपुरा पुलिस ने इनको धर दबोचा और सबकी जेब से जो है करीबन किसी की जेब से 10,000 तो किसी की जेब से 15-20,000 तो ऐसे करके लगभग इनकी जेब से जो है 63,400 रुपए निकले हैं। रवि, दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। पहला, आपने बताया कि YouTube पे देखकर उन्होंने इस तरह की जो है नकली नोट बनाने की विधि देखी और उसके बाद में उन्होंने नकली नोट बनाए, तो क्या कोई बयान पुलिस की ओर से सामने आया है, इसको लेकर कोई एक्शन लिया जाएगा ताकि इस तरह की वीडियोस को जो है ब्लॉक किया जा सके? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो है मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हमने उनसे की थी उन्होंने कहा इसके अंदर में कि भाई YouTube पर काफी इस तरह की जो चीजें होती है जो लोगों को जो है आरोपी बनाने में कहीं ना कहीं सहायक हो जाती है, है ना, तो उस तरह की जो वीडियोस है उनको को लगाम लगाने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि जो साइड से जो इसको हैंडलर है उनको भी हम किसी ना किसी से हम अप्रोच करके कोशिश करेंगे कि चाहे वो नोट बनाने की बात हो या अन्य किसी तरह के अपराध को बढ़ाने की बात हो तो उस पर लगाम लगाने की बात के लिए भी बात की जाएगी, उनको एक लेटर भी लिखा जाएगा आधिकारिक तौर पर ताकि आगे फिर कभी इस तरह की कोई जो चीजें हैं सामने ना आए। जी रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता रवि, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ उदयपुर से, जिन्होंने बताया कि ऑफ द रिकॉर्ड जब पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर भी एक्शन लिया जाएगा ताकि YouTube पर न सिर्फ नकली नोट बनाने की विधि बल्कि और भी कई ऐसी चीजें जो YouTube पर मिल जाती हैं जो एक व्यक्ति को आरोपी बनाने में कारगर साबित हो सकती हैं उन वीडियोज को किस तरीके से ब्लॉक किया जाए, साइट से हटाया जाए, इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल जो है ये जो नकली नोट की खेप बरामद हुई है उसे रोक दिया गया है, बाजार में संचालन से पहले बरामद कर ली गई और सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया।